Hey everyone, this side Arunima Upadhyay. Welcome back to my channel. और आज के thumbnail देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो वीडियो है ये किस टॉपिक पे होगी. और जैसे फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि घर में हम लोग रहते हैं तो गर्मियों में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है हमारे हेयर्स में, और ब्रेकेज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, फिर हेयर शाइनी नहीं रहते हैं बहुत ज़्यादा, एकदम रूखे रूखे से रहने लगते हैं, बेजान से लगने लगते हैं. तो इसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी रेमेडी लेकर आई हूँ, और ये एक DIY हेयर टोनर की रेमेडी होगी. और ये सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से बनेगी फ्रेंड्स, और वो जो है वो इंग्रेडिएंट्स ऐसा है जो आपके सबके किचन में अवेलेबल होगा. ना कोई चाय तो ज़रूर पीता होगा, और उसके लिए आपके यहाँ चाय पत्ती होती ही होगी. तो गाइस, आपको चाहिए चाय पत्ती और टी ट्री ऑयल. अगर आपके पास टी ट्री ऑयल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर होगी टी ट्री ऑयल तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी. और तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि जिस तरह से आप चाय उबालते हैं ना, तो यहाँ पे आपको सेम वही प्रोसेस अपनाना है. और एक गिलास पानी लेना है, और उसमें 1 टीस्पून आपको चाय की पत्ती डाल देनी है, और उसे आपको अच्छे से उबालना है, एकदम बहुत ही अच्छे से उसमें उबाल आ जाए. और वो जो पानी है ना, जो हमने लिया था 1 कप, वो जब बच के हो जाए थोड़ा सा, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा कम हो जाए जब, तो आपको गैस ऑफ कर देना है, और उसे आपको अच्छे से छान लेना है, और छान के अलग कर लेना है. और उस वो जो वाटर आपका तैयार होगा ना, उसमें आपको 2 बूंद टी ट्री ऑयल के डाल देने हैं. 2 बूंद नहीं तो फिर अगर आप ज़्यादा इफेक्ट और जल्दी इफेक्ट देखना चाहते हैं तो उसमें आप 4 से 5 बूंद टी ट्री ऑयल के डाल दो, और उसे अच्छे से मिक्स कर देना है. और किसी भी स्प्रे बॉटल में उसे भर के आपको ये अपने स्कैल्प पे अप्लाई. सो गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे आपको. तो आपको करना क्या है, वो स्प्रे बोतल में भर के आप जब इसे अप्लाई करोगे तो ये आपके स्कैल्प को ठंडा रखेगा, और गर्मी के मौसम में स्कैल्प का ठंडा होना बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. और तो और ये जो आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है ना, 2 मुँहे बालों की प्रॉब्लम, ये उसको भी ठीक करेगा, और आपके जो 2 मुँहे बाल हैं वो नहीं होंगे उसके बाद. और ये क्या करता है, ये हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट भी करता है. आपको भी पता होगा कि जो टी लीफ है ये आपके हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है गाइस. और ये जब आप इसे अप्लाई करोगे ना, तो ये एक एज अ हेयर टोनर काम करेगा और मॉइस्चराइजर बनाए रखेगा आपके बालों में. और जो आपके बालों से शाइनीनेस चली जाती है और बहुत ही ज़्यादा बेजान हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, तो ये आपके हेयर को बहुत सॉफ्ट बनाएगा, बहुत ही शाइनी भी बनाएगा. एटलीस्ट गाइज, आप इसे एक बार ट्राई तो ज़रूर करके देखना. और इसे आपको करना क्या है, ये नहीं है कि आपको इसे अप्लाई करने के बाद अपने हेयर को धो लेना है, नहीं, आपको हेयर को वॉश नहीं करना है. आप इसे अप्लाई करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा हमने डाला ही नहीं है जिससे आपके स्कैल्प या हेयर को कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर चिपचिपाहट वगैरह, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा इसे लगाने के बाद. और आपको इसे दिन में 2 बार अप्लाई करना है, और ये आपको डेली करना है, ऐसा नहीं है कि वीक में 1 बार या 2 बार, नहीं, ये आपको डेली करना है. और आपको करना क्या है, और ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके बालों में ऑयल लगा हुआ है फिर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, और सेक्शन बाय सेक्शन आप अपने हेयर को पार्ट कर लेना, और उसके बाद आप इसे स्प्रे बॉटल की हेल्प से बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आपको करना क्या है कि आप एक बाउल लेना, उसमें उस वाटर को डाल लेना, और कॉटन बॉल की हेल्प से आप फिर इसे अप्लाई कर सकते हैं अच्छे तरीके से. और गाइज, स्कैल्प पे अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आपकी स्कैल्प हेल्दी होगी तभी आपके हेयर भी हेल्दी होंगे. और आपको आपका जो सबसे पहला काम बनता है ना, तो अपने स्कैल्प को हेल्दी रखना, तब जाके आपके हेयर खूबसूरत होंगे, शाइनी होंगे, और स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना, इसे शेयर कर देना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना जिनके हेयर में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं गाइस, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी इस वीडियो की. अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना. बाय बाय.